भाई आज का दिन तो बहुत खूबसूरत है, चलो धूप देखते हैं। ओह ए टिकी बाबू, तुम यहाँ पहले से हो? वाह तुम्हारे पास स्नैक्स है। बाबू डब्लू ये लो। शुक्रिया। टिकी तुम्हें ये खाना कहाँ से मिला? ये तो लखा ने मुझे दिया। लखा ने? बहुत उधार है। ये सारे फल तुम्हारे हैं टिकी, बस तुम्हें टूरिस्ट के सामने पोज करके दिखाना है। तुम समझ गए? फिर चली जाए, जरा इधर ध्यान दीजिए। पैसे दो। पैसे दू? इसके सिर्फ 10 रुपए हुए। क्या पैसे देने होंगे? और क्या, ऐसा मुश्किल से मिलता है, ऐसा कहीं आपने नहीं देखा होगा। आपको अगला पड़ाव जरूर पसंद आएगा, वो बहुत ही बेहतर है। इस तरफ आइए। हाँ टूर गाइड, किसी और जगह पर चलते हैं। माफ करना, ऐसा लगता है यहाँ काम चल रहा है, पर चिंता मत करिए, अगली जगह इससे भी ज्यादा बेहतर है। वहाँ क्या देखने को मिलेगा? आपको वो जगह पसंद आएगी, चिंता मत करिए, बस उसके 50 रुपए ज्यादा लगेंगे। पर वो तो बुरा है, यहाँ पर तो कोई काम नहीं चल रहा। वो बस पैसा कमाने के लिए झूठ बोल रहा है। डब्लू चलो देखते हैं। वाह ये तो स्वादिष्ट लगता है। प्रदूषण मुक्त और सेहत के लिए एकदम बढ़िया, स्वादिष्ट है, मैंने खाया और मैं ताकतवर। ठीक है तो तुम ये रखो। मुझे खुशी है आपको फल पसंद आया, पर मैं इससे भी बढ़िया जगह जानता हूँ, चलिए मेरे साथ। इस तरफ आइए सर, यहाँ के मशरूम सूर्य और चंद्रमा के सार को सोखते हैं, इनके पास ताकत है आपके जीवन को बढ़ाने की, और मेरे पास इनके झुंड है। और आपको बता दूँ ये सिर्फ यहाँ उगती है। वाह मैं इसे लूंगा, क्या तुम मेरी कुछ तस्वीरें खींचोगे? मुझे खुशी होगी सर। भाई हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते। रुको, अगर हम वहाँ गए तो टूरिस्ट डर जाएंगे। ये देखो यहाँ पर रुकिए, अब ये रोशनी कहाँ से आई? मैंने तैयारी की है, ठीक है ये बढ़िया है। ये काम नहीं कर रहा। रुको आज तो बारिश नहीं होने वाली थी। कोई बात नहीं, चलो उधर चलते हैं। यहाँ बारिश ऐसे ही होती है क्या? वैसे नहीं, ये अजीब है, ये तो सच में अजीब है। मुझे पता था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बड़ी बात है, तुम गलत कर रहे हो। चिंता करते हो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, यहाँ से चले जाओ। हमेशा इसका पीछा नहीं कर सकते। सर ओ समझ गया, मेरे पास एक आइडिया है। डब्लू चलो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैंने ऐसा काम किया तो मेरे पास बहुत पैसा होगा। रुक जाओ, क्या चाहिए? हम तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आए हैं। सरप्राइज पार्टी? हाँ, ये हम तुम्हारे लिए करना चाहते। वो गर्मियों की पार्टी है। माफ करना दोस्तों, पर मेरे पास इससे भी बेहतर है काम करने के लिए। नहीं, मुझे पैसे कमाने हैं। मुझे जो कहना था कह दिया। हमारे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है, तुम्हें आना ही होगा। जरा सोचने दो, मिलते हैं दोस्तों। इसमें सोचने की क्या बात है, अगर तुम आए तो तुम्हें पहला इनाम जरूर मिलेगा। ऐसा क्या? पार्टी तुम्हारे लिए हो रही है और तुम्हें आना ही होगा, कैसे भी करके। मेरे लिए? इसका मतलब ये है कि तुम गेस्ट ऑफ ऑनर हो, खास मेहमान। हाँ और हम तुम्हें लेने और छोड़ने भी आएंगे। ये सुनने में अच्छा लग रहा है। वैसे आज बहुत गर्मी है, मुझे नहीं लगता मैं जाऊँगा। चलो भाई। लखा क्या तुम्हें हमारी सर्विस अच्छी लगी, बताओ हमें। इतना भी बुरा नहीं, अब आ भी जाओ। जरा रुको, हमें लगता है वो अपना वक्त ले रहे हैं। वो आ रहे हैं। बाबू अपने प्लान पे कायम रहो। हाँ। आपका स्वागत है, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मैं बस अभी आता हूँ। मैं आपके लिए कुर्सी लाया हूँ। डब्लू तुम सोफा बन जाओ। कितना बढ़िया होता अगर यहाँ घूमने वाली कुर्सी होती। ये 2 से भी ज्यादा है। तुम्हें पता है कि मेहमान नवाजी कैसे करते हैं? एक मिनट सर,
आपने मुझे टिप नहीं दी। तुम्हारा मतलब मुझे टिप देनी होगी? टिप इसलिए कि मैंने आपके जूते साफ किए और आपकी सेवा की। लखा इस जंगल का गोल्ड मेडल टूर गाइड है, मुझे यकीन है ये बहुत पैसे देगा। मुझे वही नाम लेना है। आप सबका यहाँ स्वागत है दोस्तों। यहाँ दो दरवाजे, ध्यान से चुनना। ये दरवाजा तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, मुझे इधर से जाना होगा। ये ज्यादा सही रहेगा। रुको, तुम्हें तो टिकट लेना होगा। मुझे टिकट की जरूरत नहीं, मैं तो खास मेहमान हूँ। ये वीआईपी दरवाजा है, इसलिए तो तुम्हें टिकट लेना ही होगा। टिकी, ये टिकट्स मेरे और डब्लू के लिए हैं। मैंने बाबू को पैसे दिए, अगर मुझे इनाम नहीं मिला तो मुझे घाटा हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। मुझे मिल गया। वाह, जरा पोस्टर तो देखो, अभी से मैं पार्टी करता हूँ। क्यों ना हमारे साथ मेहमान का स्वागत किया जाए। मित्तल लखा, आगे आ जाइए। और अब हम खेल शुरू करते हैं। जीतने के लिए इस लिंक को तोहफे पे फेंके। मुझे भी खेलना है। चलो कर लो, तैयार शुरू करो। ओए ओए, बढ़िया। इतने खोलने के पैसे देने होंगे। पर मैं यही नाम जीता हूँ, मुझसे पैसे क्यों ले रहे हो? हम जीते हैं। रिंग्स फेंकना फ्री है, लेकिन तोहफे खोलने के पैसे लगते हैं। ये सब खेल के नियमों में दिया हुआ है। वाह, कितना बढ़िया। अरे नहीं, यहाँ आकर मैंने अपना आखिरी पैसा भी खर्च कर दिया। तुम अपनी बनियान बेच दो। मेरा बनियान? मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, जीतने के बाद खरीद लूंगा। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हें इसके पैसे मिलेंगे। सौदा, ये बस कपड़े हैं। बाबू, आ रहा हूँ। मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगा। आखिरकार तुम सब मेरे हुए, चलो मेरे पास आओ। मशरूम, ये कैसा ही नाम है? मैं जा रहा हूँ। एक मिनट रुको लखा, हमारे पास और भी नाम है। इससे भी बेहतर। लखा, ये बताओ कि क्या तुम इनाम के लिए तैयार हो? जैसे क्या? एक मशरूम या एक पत्थर? मुझे अब ये खेल नहीं खेलना। क्या बात है? चलो चलो चलो। ये एक और, इस बार मैं नहीं हारूंगा। क्या मैं जीत गया, मुझे बड़ा इनाम मिला है। रुको, इनाम तभी मिलेगा तुम्हें जब दो चीजें करोगे। देखो, एक प्लेट, ये मेरा है। रुको, आखिरकार मैं जीत गया, देखते हैं अंदर क्या है। मैं जानता था, पत्थर। मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? वो एक ग्रैंड प्राइज है। पत्थर, ये सूरज और चांद की रोशनी सोख लेता है, इसी वजह से ये बहुत बड़ा इनाम है। ये मालिश देने वाला पत्थर है और ये जिंदगी बड़ी कर देता है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कुछ सुना सुना लग रहा है। ये मशरूम सूरज और चंद्रमा के सार को सोखते हैं। इनके पास जिंदगी बढ़ाने का ताकत है और मेरे पास इनके झुंड है। ये हो क्या रहा है? रुक जाओ। लेकिन बस आज के पैसे लगेंगे। तुम मुझे मार दोगे? हेलो लखा, ये तो तुम्हारी फीस है, परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो बस नॉर्मल फीस है। ये मेरी छोटी सी फीस है, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा मतलब, तुम्हारी वो रची हुई पार्टी मुझे झूठा साबित करने के लिए थी। एक टूरिस्ट गाइड के नाते तुम्हें लोगों को ठगना नहीं चाहिए, तुम समझे एक टूरिस्ट कैसा फील करता है? वैसे मुझे लगता है मुझे सबक मिल गया। जरा रुकिए सर। अब क्या हो गया दोस्त? ठीक है सर, कुछ गलतियां हो गई। मेरे लिए ये क्या है? दरअसल वहाँ कोई काम नहीं चल रहा था और वो मशरूम की ज्यादा कीमत भी नहीं है। मैंने धोखा दिया, मुझे माफ कर दो सर, प्लीज। क्या आप मुझे माफ कर सकते हो? वाह, तुम सच कह रहे हो? मैं हूँ, मैं आपको मनाने के लिए फल लाया हूँ। ओह हाँ, मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया दोस्त। अगर आप दोबारा आएंगे तो मैं वो जंगल जरूर दिखाऊंगा जहाँ ये फल है। क्या कहते हैं? क्यों नहीं, यहाँ के लोग सचमुच बहुत ज्यादा अच्छे हैं दोस्त।
वाह 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 वाह।